अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन जरूरी है। इनफैक्ट ये जो नाम प्रोटीन है ना, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब ही है भाई प्राइमरी। प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनते हैं। हमारा बॉडी का एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मसल रिकवरी करने के लिए, मसल मास को मेंटेन करने के लिए और मसल ग्रोथ कराने के लिए। प्रोटीन का मतलब, मैं यहाँ पर खाली प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन मतलब पूरे दिन में आपके बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो चाहे आप फूड से ले रहे हैं या फिर चाहे सप्लीमेंट से ले रहे हैं या फिर दोनों को मिला के ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑन एन एवरेज एक मेल के लिए 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन इज एनफ, वैसे ही एक फीमेल के लिए 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन इज एनफ। अगर आप इतना प्रोटीन आपके बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस नहीं होगा, आपका मसल मास मेंटेन होगा, बल्कि आपका मसल ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा। रियल फूड या फिर होल फूड से तो हमें प्रोटीन लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं जिसके वजह से हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, वो हमें कुछ हद तक हेल्प करती हैं। जैसे अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो भाई आपको प्योर प्रोटीन वाला फूड मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में प्योर प्रोटीन वाला फूड ना के बराबर है। अगर आप प्रोटीन लेने जाओगे तो उसके साथ आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नहीं तो भाई ज़्यादा फैट मिलेगा। तो इसके वजह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के चक्कर में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का रेशियो है ना, वही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर हुए प्रोटीन हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई हम हमेशा खाना पका के नहीं खा पाते। एक पहली बात तो ये है कि भाई इतना ज़्यादा फूड खाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात टाइम की बात है, हमेशा पका के रेडी रखना खाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई इंडिया में ज़्यादातर लोग, मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग एम्प्टी स्टोमैक जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, जो कि आपके मसल रिकवरी के लिए सही नहीं है, मसल ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है। लेकिन सिचुएशन कुछ लोगों का ऐसा है कि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता है भाई प्री वर्कआउट कुछ बना के खाने के लिए, तो वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए ना, वर्कआउट के तुरंत बाद उन्हें बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहिए। भाई तुरंत बाद प्रोटीन देने के लिए ऐसा कोई प्रोटीन सोर्स है ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे मैं बॉयल्ड एग खाता हूँ, अरे भाई बॉयल्ड एग को डाइजेस्ट होने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। तो क्विकली प्रोटीन देने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है भाई व्हे प्रोटीन, वो जो कि सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है और सबसे जल्दी आपके बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग जब उठ के जिम को आते हैं, 15 मिनट पहले आप एक बनाना या फिर एक एप्पल के साथ हाफ स्कूप व्हे प्रोटीन ले सकते हैं। बाद में पोस्ट वर्कआउट में आप 1 कंप्लीट स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप ऐसा आप करेंगे ना, तो आपका मसल रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट इस तरह से हमें हेल्प करते हैं। ये नहीं कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट कोई मैजिक है, मैं पी लूँगा तो मेरे मसल्स बन जाएगा, नहीं। प्रोटीन सप्लीमेंट ओनली हमें हेल्प करते हैं हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, उसे फुलफिल करने के लिए। फास्ट एंड अप ने उनका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट एडवांस वे प्रोटीन आइसोलेट और एक भाई एनर्जी प्रोडक्ट, ये मुझे दिया है रिव्यू करने के लिए, और आज मैं इनका रिव्यू करने वाला हूँ, और रिव्यू 100% जेन्युइन रहने वाला है। पहला है भाई एडवांस वे प्रोटीन आइसोलेट, और वो भी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। और जो दूसरा है वो एक है एनर्जी टैबलेट्स, ठीक है। और स्पेशली देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स ही चले जाते हैं, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन खरीदने जाते हैं, आप पहले क्या देखते हैं, कहीं एक स्कूप में कितना प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है भाई 1 स्कूप में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, आपको यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी चेक करना है। मतलब एक स्पून अगर 50 ग्राम का है, कंपनी बोलती भाई मैं 30 ग्राम प्रोटीन दे रहा हूँ, आप खुश हो गए भाई 30 ग्राम प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है, ये ब्रांड तो बेस्ट है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो स्कूप 50 ग्राम का है। तो अगर 50 ग्राम में से सिर्फ 30 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहे हैं, इसका मतलब है 20 ग्राम फिलर्स हैं, जो भी पैसा आपसे ले रही है उसके हिसाब से वो आपको प्रोटीन नहीं दे रही है। तो इसलिए आपको बायो अवेलेबिलिटी देखना है भाई, आपको कंपेरिजन हमेशा ऐसे ही करना है,
कि भाई एक स्कूप कितने का है और उसमें से बायो अवेलेबिलिटी कितना है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ होए प्रोटीन आपको मिल रहा है। जैसे कि इस कंपनी का जो है फास्ट स्टैंड अप का, इसका 30 ग्राम का स्कूप है और उसमें से 24 ग्राम का ये प्रोटीन दे रहा है, 4 ग्राम का ये ग्लूटामिन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो तो मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसको 5 out of 5 दूंगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि भाई इसका मिक्सेबिलिटी कितना है। इसका मिक्सेबिलिटी मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जल्दी मिल जाता है, एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी मैं 5 out of 5 दूंगा। अब आता है भाई फ्लेवर की बात। अब फ्लेवर क्या है वो पर्सनल चॉइस है भाई, किसको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। अब उन्होंने जो मुझे भेजा है वो है चॉकलेट फ्लेवर है और मुझे पर्सनली चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं फ्लेवर के बारे में तो एकदम से आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा है या बुरा है नहीं बता सकता, क्योंकि वो फ्लेवर ही मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैंने इनका जो टेस्ट किया है वो मुझे ठीक ठाक ही लगा। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट फ्लेवर, फिर भी मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब टेस्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे भाई रिजल्ट इसका कैसा है। देखो भाई, ये भाई आपको बेवकूफ़ बनाने जैसी बात है। कोई भी हुए प्रोटीन का एक डब्बा लेके आपको अगर बता रहा है इससे मेरे बाइसेप बढ़ गए, मेरे चेस्ट बढ़ गए, मेरे वेट 10 किलो बढ़ गया, भाई वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सीधी सी बात। क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता है, ये एक प्रोटीन है, कोई मैजिक नहीं है कि आप खा लिए अब आपका दुमदम मसल्स बढ़ गया, एकदम से मसल्स बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में आपको हेल्प करता है। आपको ये देखना है कि भाई इसका क्वालिटी कैसा है, इसका बायो अवेलेबिलिटी कैसा है, इसका टेस्ट क्या कैसा है। अब क्वालिटी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है ये भाई जो इम्पोर्ट होता है रॉ हुए, ये ग्रास फेड काऊ के मिल्क से बना हुआ होता है और 100% प्यूरिफाइड मिल्क से बना हुआ होता है। 450 ग्राम का डब्बा है और MRP इसका 2000 रुपीज़ है। कंपनी इस पर डिस्काउंट डालती रहती है तो इसलिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% 25% इस तरह का कुछ डिस्काउंट आता है। ऊपर से अगर आप मेरा कोड डालेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये अगर कोड आप डालेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल सकता है। ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना टैबलेट्स, इसका जो स्टाइल है ना मुझे पहले बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया स्टाइल है, ना तो पाउडर है ना तो लिक्विड है, ये टैबलेट्स है। ठीक है, आप ऐसे डब्बे को खोल देंगे, अरे ओपन हो रहे, ये डब्बा ओपन हो गया और उसमें से इस तरह का टैबलेट्स आपको मिलेंगे। इसको आपको क्या करना है, पानी के अंदर डाल देना है तो वो अपने आप उसमें मेल्ट हो जाएगा। और इसको मैंने एक्चुअली टेस्ट किया है, इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। व्हे प्रोटीन का रिजल्ट मैंने आपको जैसे बताया भाई, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो भाई आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना ये इंस्टेंट है। वर्कआउट के ड्यूरिंग मैं इसे पी लेता हूँ और मुझे थकावट बहुत कम लगती है। तो मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो वर्कआउट है बहुत ही हार्ड रहता है, इंटेंस रहता है, तो इसके लिए टायर्डनेस भी उसके हिसाब से ही होता है। लेकिन इसे यूज़ करने के बाद बहुत हद तक मेरा जो टायर्डनेस है ना वो कम हो गया है। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि भाई आपको क्या करना है, लाइक करना है। अगर आपने हमारे फैमिली को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, इनके वेबसाइट से जाके आपको डायरेक्टली ख़रीदना है, दूसरे अमेजन या किसी फ्लिपकार्ट या किसी और जगह से आप खरीदेंगे तो जो स्पेशल डिस्काउंट है मेरे नाम के ऊपर 10% वो आपको नहीं मिलेगा। अगर इनके वेबसाइट से जाके आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो वहाँ पर तो उनका ऑफर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरा जो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ख़रीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। कोड भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो कोड अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार एंड सपोर्ट दिखाया है, हमारा फैमिली अभी 11.5 तक पहुँच गया है और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।